हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ तिरुपति से हैदराबाद। तो हैदराबाद जाने के लिए ये मैंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा, क्योंकि जिसके घर मैं जा रही थी उनका घर सिकंदराबाद से बहुत पास पड़ रहा था। तो इस समय मुझे किसी ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाया, तो मुझे इकोनॉमी क्लास में इस ट्रेन में टिकट मिला तिरुपति निज़ामाबाद। तो जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस लगी। हाँ, इसमें एक फ़र्क है, जो आपकी नॉर्मल एसी थ्री टायर होती है और इसमें थोड़े से रेट में भी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आज मैं सैर कराती हूँ आपको एसी थ्री टायर इकोनॉमी क्लास की। तो ये देखिए, ये जैसे ही मैं ट्रेन में एंटर हुई, ये ग्लास हल्की सी आपको गंदी दिखाई दे रही होगी, ये वॉश बेसिन, साथ में ये फायर के लिए प्रिकॉशंस के लिए रखा हुआ था। बट ये जो वॉश बेसिन रखा हुआ था, ये फूड प्रेशर वॉश वाटर आ रहा था इसमें, मतलब आप पैर से नीचे प्रेस कीजिए और ऊपर पानी आएगा, तो आप हैंड वॉश इजली कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अब मैं अंदर की तरफ एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ देखा मैंने ये स्लाइडिंग डोर था। साथ में अंदर जाने के साथ ही इंटीरियर काफ़ी चेंज लगा। नॉर्मली ट्रेन में ब्लू या ग्रीन शेड मुझे दिखाई देता था, बट यहाँ पर बीज एंड ब्राउन का कम्बिनेशन दिखाई दिया, जो कि आंखों को सुकून पहुँचा रहा था। ये जैसे जैसे मैं ट्रेन में अंदर जा रही थी, तो ये देखा मैंने कि सामने एक डिस्प्ले बोर्ड भी था, जो कि टाइमिंग, ट्रेन नंबर, ये सारी चीज़ें शो कर रहा था, जब समय समय पर चेंज कर रहा था। ये देखिए, ये साइड का लोअर बर्थ है, यहाँ कर्टेन की जगह ये स्लाइडिंग कर्टेन डाल रखा है, जो कि अब ऊपर से नीचे की तरफ आप पुल कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कि चलो कोविड के केस में कोई भी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करी है। ये देखिए, ये डिस्प्ले है यहाँ का, जो कि टाइमिंग दिखा रही है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे बर्थ नंबर भी किस तरीके से लिखा हुआ था, साथ ही हर बर्थ में यहाँ पर एक एक लाइट, साथ में ये फोल्डेबल बॉटल ट्रे दे रखा था, जो कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको फोल्ड करके इजली रख सकते हैं और पैर फैलाए, कहीं कोई चोट नहीं लगेगी। साथ में ये मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी, तो ये देखिए बाथरूम की तरफ ये ओवल शेप में यहाँ बाथरूम था, ये मैं, और बाथरूम का डोर भी स्लाइडिंग था। अंदर का इंटीरियर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जो कि नॉर्मल ट्रेन से अच्छा था। साथ में मुझे यहाँ पर ये बाथरूम में एक स्टैंड भी लगा दिखाई दिया। बारह ट्रेन में इसकी क्या यूज़ थी मुझे नहीं समझ में आई, बट लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये अंदर में आपके बाथरूम का इंटीरियर मैं कंप्लीट कर चुकी, और ये दो कोच को जोड़ने के लिए भी स्लाइडिंग डोर यहाँ पर दे रखा है, जो कि आजकल अब सारी ट्रेनों में धीरे धीरे ये फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। कुछ और चीज़ें रह गई तो मैं ट्रेन के अंदर फिर से जा रही हूँ, आपको वो सारी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी जो कि इस इकोनॉमी क्लास में दिखाई गई है। यहाँ देखें, यहाँ 83 बर्थ है, जो कि नॉर्मल ट्रेनों में 72 होती है। 83 बर्थ के बाद ये आपकी वॉल आ जाती है, और साथ में यहाँ पर सारे सीट पे एसी का ये वेंट दे रखा है, तो कूलिंग वगैरह बहुत अच्छे से है हर एक सीट पे, चाहे वो साइड के सीट हो या बीच के हो, सारे सीटों पे ये फैसिलिटी दी गई है। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं भाई, ट्रेन वैसी दे रखी है तो इंजॉय तो करेंगे ही भाई। इस समय में इकोनॉमी में ये बहुत अच्छी चीज़ बनी है ट्रेन में, तो आपको कभी मौका मिले तो इंजॉय ज़रूर कीजिए। ये देखिए, ये साइड बर्थ की चीज़ मैं दिखा रही हूँ, यहाँ स्लाइडिंग टेबल है, जो कि मार्बल फिनिश में दिया गया है, और जब इसको फोल्ड कर दो तो बर्थ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मेरा बेटा भी जिद करने लगा कि चलो मम्मा मैं भी बाथरूम जाऊँगा, तो उसने स्लाइड करके ये बाथरूम गया और ये फुट प्रेस करते हुए वाटर से अपने हैंड वॉश किया। साथ में इसमें जहाँ जहाँ इमरजेंसी विंडो है वहाँ ये नंबर इन, मतलब कि आप जब एंट्री करेंगे वहीं लिखा हुआ है। एक प्लस पॉइंट इसमें सबसे बड़ी थी कि इसमें सीसीटीवी इन बिल्ड है, मतलब कि कुछ भी गतिविधि होगी तो हो सकता है स्टेशन मास्टर या ट्रेन का चालक कहीं पे भी ये चीज़ ज़रूर शो हो रहा होगा। तो आपको कभी मौका मिले तो इस इकोनॉमी क्लास में ज़रूर जर्नी करें, बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करके आप इसमें अपने खाने का सामान अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि इसमें पैंट्री अवेलेबल नहीं है, यहाँ मोबाइल पैंट्री चलती है, कि आप ऑर्डर करेंगे स्टेशन पे जो चीज़ें अवेलेबल होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं स्टेशन की तरफ, अब हमारी मंजिल आने वाली है, इसका नेक्स्ट स्टॉपेज सिकंदराबाद ही है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी यात्रा में आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।